उसी के विशेषण के रूप में आएंगे। मंद्र मंद्र तमाम जो अत्यंत मंद्र हैं। मंद्र क्या है? सर्वाधिक स्तुति का मंद धातु का अर्थ स्तुति करना भी है। मंद्र तमाम अत्यंत स्तुति योग्य जो अग्नि ऋण प्रगतिशील परमेश्वर है या समाज में जो उसके उपासक इस स्तर के हैं, इनको हम समाज में अग्रणी कह सकें, कह रहे हैं आप अत्यंत अर्थ शोक। अर्थ धातु का अर्थ भी स्तुत करना प्रकाश करना है, शुक धातु का अर्थ गति करना और शुच धातु का अर्थ पवित्र करना। अर्थ शोक स्तुत करने वाले गति करने वाले प्रगत करने वाले पवित्र करने वाले स्तुत प्रगति और पवित्रता से युक्त लोगों के द्वारा अर्थ शोक ये बहुवचन है। अग्नि संबोधन एक वचन में है, त्वाम एक वचन में है, मंत्र तमाम एक वचन में है, अर्थ शोक ही बहुवचन। जो इस प्रकार से स्तुत करने वाले प्रकाश करने वाले पवित्र करने वाले हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अत्यंत स्तुत किए हुए आप हैं, अर्थात ऐसे लोग आपकी अत्यंत स्तुतियां करते हैं, बहुत अधिक स्तुति करते हैं। वह ब्रह्म है वर्ण करते हैं, हम आपका वर्ण करते हैं, इसलिए धातु वर्ण करना ही इसमें होगा। वह ब्रह्म है हम आपका वर्ण करते हैं कि हाँ ये उत्तम पुरुष में है, हम आपका वर्ण करते हैं। मही महानता स्पष्ट है, मह धातु नह और नाम है हम लोग हमारे लिए। स्रोसी इस स्रोस शब्द को थोड़ा समझ लें, स्रो धातु का अर्थ सुनना है, स्रोस का अर्थ हुआ सुनते हो। मध्यम पुरुष एक वचन, अग्नि संबोधन एक वचन, स्रोस क्रिया सुनते हो एक वचन, हे अग्नि तुम सुनते हो। अर्थ श्लोक जो कहा स्तुत करता पवित्र करता लोगों के द्वारा अत्यंत स्तुत किए, लोग आपकी अत्यंत स्तुत करते हैं, ब्रह्म है हम आपका वर्ण करते हैं, आप हमारे लिए बहुत महान हैं, हे अग्नि आप सुनते हो। वो कैसा महान जो किसी की सुने ही ना, भैया वो बहुत महान है, इतने महान है कि उनसे हम अपने कोई बात कह ही नहीं पाते, तो होंगे महान बैठे रहे। ऐसे महान हमारे लिए किसी उपयोग के नहीं है, व्यर्थ है, निरर्थक है ऐसे महान लोग जो हमारी सुनते नहीं, जो किसी की बात सुनते नहीं। जननायक अग्नि अग्रणी वे हैं जो जनता के बीच जाकर लोगों के बीच जाकर लोगों की बात सुनते हैं, और जो किसी की सुनते नहीं केवल अपनी सुनाते हैं वे अग्नि नहीं होते, अग्रणी नहीं होते, वे महान नहीं होते। कहते हैं इस मंत्र में कहा गया हे अग्नि तुम सुनते हो ना हमारी, हे अग्नि तुम हमारी बात सुनते हो, इसीलिए तुम ही महान हो। महान वो है जो हमारी बात सुनता है, हमारे लिए वही महान है। जो हमारी बात नहीं सुनता वो हमारे लिए महान नहीं है, कुछ और लोगों के लिए होगा। तुम्हारा रहे इद्रम नुस्ता सबसा देवता, इंद्रम इंद्र को इंद्र हम जानते हैं परमेश्वरी धातु से इंद्र शब्द बना जिसका अर्थ हुआ परमेश्वरी, परमेश्वर
तो परम ऐश्वर्यवान को इंद्रम नत्वा ये ना जो है ये समझने योग्य है। इन्ना नकारात्मक अर्थ में नहीं होगा, इंद्रम नाकार हुआ इंद्र के समान। ये वैदिक भाषा में विशेष है। इस प्रकार से इंद्रम नाकार इंद्र के समान, परम ऐश्वर्यशाली के समान, त्वा तुमको सब सा सब द्वारा। ये सब क्या है? सब धातु का अर्थ गति करना और बल होना दोनों। सवसा का अर्थ सामान्यता बल से ही ग्रहण किया जाता, बल द्वारा, गतिशीलता द्वारा भी कह सकते हैं। बल का अर्थ अधिक लोग ग्रहण करते हैं तो वे भी कह सकते हैं देवता, देवत्व, प्रत्येक मंत्र पर देवता अंकित करते हैं, लिखते हैं कि भाई इस मंत्र की देवता क्या है, देवता अर्थात। जी हाँ, देव और देवता, देव में देवता होगा, कोमल में कोमलता होगा, कठोर में कठोरता होगा, मूर्ख में मूर्खता, विद्वान में विद्वता। इस रूप में देखें, देव में देवता, देवत्व तो देवता वो गुण है जिसके कारण उसे देव कहा जाता है। और ये देवता आता है सबसा, ये तृतीया एक वचन है फल के द्वारा। देवता तो प्रथमा में है, कर्ता कारक में ही है। वायु, वायु को प्रणंति, प्रणंति का अर्थ है पालन करते हैं, पूर्ण करते हैं, त्रिधातु है। त्रिधातु का अर्थ पूर्ण करना, पालन करना, दोनों है तो दोनों अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रणंति पालन करते हैं, पूर्ण करते हैं। राज द्वारा देखिए, जैसे सवसा था, सवस आ सवसा तृतीया एक वचन, वैसे है राधसा, राधस आ राधसा तृतीया एक वचन। राधस द्वारा, अब ये राधस कैसे बनेगा? राज धातु है, इसका अर्थ है पढ़ना, निर्णय करना, सिद्ध हो। तो राधसा का अर्थ हुआ प्रत निर्णय सिद्ध के द्वारा। अब राधसा शब्द मिल गया, जिनको वेद से कोई लेना देना नहीं है, वेद में अपनी बात खोजनी हो, उनका लो भाई राधा जी को मिल गए। वो इस तरह से वेद में राधा जी और किसी भी जी को कुछ भी खोज सकते हैं। हमारे लिए उस प्रकार के अर्थ तो स्वीकार हो ही नहीं सकते, वे अर्थ तो किसी प्रकार का नहीं करते। बस इतना सा शब्द कहीं आपके श्रीमुख से सुन लिया, आपने बोला मंत्र पाठ करते समय राधसा, बोले हाँ वो पढ़ रहे थे कोई वेद मंत्र, उस पे राधा आया, बस उनको इतने से पर्याप्त हो जाता है। तो राधसा प्रति निर्णय सिद्धित के द्वारा निरतमा, ये बहुवचन में आ गया। निरतर निरतम, ये उत्तम स्थिति है, सर्वोत्तम स्थिति है। जो नरों में उत्तम है वो निरतम, और इसमें भी बहुवचन कहा गया है कि संसार के इतने लोगों में, करोड़ों अरबों लोगों में हम कहें निरतम केवल एक ही व्यक्ति है तो ये तो नहीं हो सकता। उनका बहुत से लोग होते हैं जिनको हम सबसे उत्तम की श्रेणी में रख सकते हैं, पूरे संसार में या किसी एक समाज में भी कोई एक ही व्यक्ति नहीं होता शीर्ष पर, अति उत्तम सर्वोत्तम की स्थिति में भी बहुत से लोग होते हैं। ये अन्याय होगा कि किसी भी आधार पर आप कहते नहीं बस हमें एक ही चुन लेना है जो सर्वोत्तम है, तो बहुत से लोग उसके समकक्ष होते हैं, ये उनके साथ अन्याय होगा। और ये उन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के साथ नहीं होगा, समाज के साथ अन्याय।
यदि आपने मुझे ही चुन लिया तो मेरे समान और लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आप उनकी सेवाओं से वंचित हो गए, उनका लाभ जो समाज को मिल सकता था उससे आप वंचित हो गए। इसलिए वेद में बहुधा इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। अब जब निर्बल कह दिया गया तो उसका बहुवचन कैसे? हमने कह दिया जो नरों में सर्वोत्तम है, तो इसके पहले भी अनेक मंत्रों में ऐसा आया है कि हम कहते हैं सर्वोत्तम भी अनेक है ना। तो वायु को राजस अर्थात प्रद निर्णय सिद्ध के द्वारा जो नरों में उत्तम है वो प्रणंति अर्थात करते हैं, पालन करते हैं। ये मंत्र की चर्चा भी यहाँ पूर्ण होती है। अब हम अपनी बात को